हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और पेपर में आ चुका है, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, द नंबर विच मल्टीप्लाई बाय 16 इज इंक्रीज्ड बाय 225। देखिए बहुत क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर मैं डिटेल मेथड की बात करूँ ना तो भी मैं आपको बताती हूँ। डिटेल मेथड में प्रॉब्लम बस ये आती है कि उसके कुछ इंटरमीडिएटरी स्टेप्स होते हैं विच वी हैव टू फॉलो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो बेसिकली वी आर ऑलवेज ट्राई कि हम मूव करें एक क्विकर मेथड की तरफ, जिससे हमारा टाइम भी सेव हो और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में अगर हम बात करें ना यहाँ पर डिटेल मेथड की, तो देखिए मैं डिटेल मेथड को पहले यहाँ पर करवा लूँ और क्विकर मेथड भी मैं आपको इसी बोर्ड पे करवा दूंगी, ठीक है। तो डिटेल मेथड की अगर हम बात करें तो सिंपल आप क्या करते हैं, देखिए आप यही करते हैं कि जो चीज आपको निकालनी होती है उसको आप लेट दी एक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर निकालना है तो लेट दी नंबर भी एक्स कर लेते हैं। सबसे पहले लेट दी नंबर भी एक्स, तो लेट दी नंबर भी इक्वल्स टू एक्स। तो जब हमारे पास वो 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 16 मल्टीप्लाई एक्स, 16x माइनस एक्स इक्वल्स टू 225। अब देखिए मैंने यहाँ पर माइनस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ वैल्यू इंक्रीज हुई है। जब इंक्रीज होगी तो आप माइनस लेके चलते हैं, जब डिक्रीज होती है तो आप हमेशा यहाँ प्लस लेके चलते हैं। इसको हम माइनस कर देंगे, दोनों के पास सेम वेरिएबल्स है, तो 15x हो गया एंड देन 225। बहुत सिंपल है x की वैल्यू निकालने का, 5 / 15। अब 15 का स्क्वायर रूट 225 ही होता है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगी सिंपल 15, आंसर आ गया 15। अब देखिए क्विकर मेथड की अगर मैं बात करूँ ना तो क्विकर मेथड भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्विकर मेथड के अंदर हमें क्या करना है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है ठीक है उसको हम ऊपर रखते हैं, यानी कि ये मेरे पास y है और ये मेरे पास x है, ठीक है। तो इंक्रीज वैल्यू को मैं क्या करूंगी, ऊपर रख लूंगी y और नीचे हम रखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लायर माइनस वन। मल्टीप्लायर में 16 से मल्टीप्लायर हुआ था तो x माइनस वन। तो देखिए सिंपल है 225 एंड 16 माइनस वन विच इज 15, सो 225 डिवाइडेड बाय 15 विच इज 15, तो आंसर आपके पास आ गया 15। सी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको डिटेल मेथड अच्छा लगा या क्विकर मेथड। और एक चीज कि देखिए यहाँ पर जब हमने इक्वेशन बनाई थी ना तो इस इक्वेशन को बनाने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यही एक रीजन है कि वी आर ऑलवेज मूव टू क्विकर मेथड, जिसमें इजीली हम एक फॉर्मूला अडेप्ट करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर से ज्यादा पता लग जाता है और हम आंसर निकाल लेते हैं। तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम इक्वेशन के झंझट में ना पड़े और फॉर्मूला निकाले। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसके ऑप्शंस भी दिए हैं, तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स नाउ देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय 36 एंड इज इंक्रीज बाय 1050। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो देखिए क्विकर मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो फॉर्मूला होता है इंक्रीज वैल्यू ऊपर आती है यानी कि वाई और मल्टीप्लायर माइनस वन यानी कि एक्स माइनस वन। तो वाई ये होता है हमारे पास और एक्स ये होता है, तो सिंपल है वाई की वैल्यू दे रखी है 1050 एंड आपको 36 माइनस वन करना है विच इज 35। तो 1050 डिवाइडेड बाय 35, 35 होता है आपका 105 और 0 एज इट इज आ जाएगी, तो आंसर आपका आ गया यहाँ पे 30। ये आपके पास 30, तो आप देख सकते हैं द नंबर विच मल्टीप्लाई इज इंक्रीज बाय 1050, तो नंबर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में ए 30 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए रूल के साथ, एक और नए ट्रिक के साथ नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।